हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिनका नाम शायद ही किसी को नहीं पता होगा, लेकिन पहले प्लीज़ हिट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। मिस्टर रतन नवल टाटा जी, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री द प्रेस्टिजियस कॉर्नेल कॉलेज से कंप्लीट की। इन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज 1961 में बतौर शॉप फ्लोर वर्कर की भूमिका निभाई, एंड जब 1991 में मिस्टर जे आर डी टाटा जी रिटायर्ड हुए तो मिस्टर रतन टाटा जी ने एज चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की भागदौड़ संभाली। इन्होंने एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप 1990 से 2012 तक कंपनी की ग्रोथ 40 गुना एंड प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ा दी। बात सिर्फ इनके सक्सेसफुल कॉरपोरेट या बिजनेस करियर की नहीं है, ये महान कई कारणों से हैं। आज इंडिया जिस बुलंदी पर है, सारे इंडियंस के साथ साथ टाटा फैमिली का भी बड़ा योगदान है। पीढ़ी दर पीढ़ी टाटा फैमिली भारत माँ और भारतीयों की सेवा करता चला। मिस्टर रतन टाटा जी के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कई कंपनीज को भी एक्वायर किया, जैसे कि टेटलिटी, जैगुआर, लैंड रोवर एंड कोरस। ऐसा करने में रतन जी का मानना था कि इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी चमकाना है। एक दफ़ा मिस्टर रतन टाटा जी को ये बात मालूम पड़ी कि काफ़ी मिडिल एंड लो क्लास फैमिलीज कार नहीं खरीद पाते एंड उनके सपने टूट जाते हैं। इसलिए कई सालों की मेहनत के बाद रतन जी ने फाइनली नैनो, जिसे हम आम जनता की गाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किया और ये वेंचर काफ़ी सक्सेसफुल बना। इन्होंने चेयरमैन की पद से इस्तीफा 2012 में दिया और इनके पोजीशन पे साइरस मिस्त्री जी को अपॉइंट किया गया। इन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण साइरस मिस्त्री जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और 2016 में फिर से मिस्टर रतन टाटा जी इंटरिम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए। इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि इन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो इन्होंने कहा कि मैं 3 दफ़ा शादी सीरियसली करने का इरादा बना चुका था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ डर की वजह से मैं पीछे हट गया और मेरा पूरा समय मैं अपने देश और देशवासियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तो गाइस, ये है इनकी महानता। और तो और, मिस्टर रतन टाटा जी ने अपने जीवन में कई लोगों की एंड कई ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, कॉलेज, इनकी डोनेशंस की लिस्ट तो बड़ी है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वंस कुछ इस तरह से हैं। $28 मिलियन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ताकि टैलेंटेड इंडियंस वहां पढ़ सकें बिना पैसे की किल्लत के। 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए $50 मिलियन डोनेट किया था, जिसका नाम टाटा हॉल रखा गया। ये हॉल 7 फ्लोर्स का है और ये 155,000 स्क्वायर मीटर्स की एरिया तक फैला है। $35 मिलियन मेलन यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था कॉग्निटिव सिस्टम्स एंड ऑटोमोबाइल व्हीकल्स रिसर्च फैसिलिटी बनाने के लिए। 2014 में इतिहास की सबसे बड़ी डोनेशंस की गई, जो कि $950 मिलियन की थी फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कई सारे डोनेशंस इन्होंने की हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, हालांकि ऑनर्स एंड अवार्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। साल 2000 में पद्म भूषण एंड 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। मिस्टर रतन टाटा जी इंडिया के ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉनिक पर्सनालिटी भी हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर ये डोनेशंस ना करें तो वर्ल्ड के नंबर 1 richest पर्सन भी बन सकते हैं, एंड
इस बात पे रतन टाटा जी ने एक रिपोर्टर को बताया था कि नंबर वन या नंबर 100 ये सब बिजनेसमैन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे अपने हित में काम करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए, जो कि एक तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जिसके पूर्वज हमेशा से इस देश की सेवा करते आए हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। हालांकि एक छोटी सी वीडियो में इतने महान हस्ती की विवरण नहीं की जा सकती है, लेकिन जो कुछ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने इस वीडियो में बता दिया। आपको इस सीरीज का पार्ट टू देखना है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, एंड एक लाइक तो बनता है गाइस इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।